हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार पूरे साल भर में चार बार नवरात्रि का पर्व आता है, जिसमें से दो प्रचलित और दो गुप्त नवरात्रि होते हैं। देवी दुर्गा शक्ति का प्रतीक है और माँ के भक्तों के लिए देवी दुर्गा के नौ दिवसीय साधना का महापर्व बहुत ही खास होता है। आषाढ़ माह में कई बड़े बड़े त्यौहार व्रत मनाए जाते हैं, जिनमें से एक है आषाढ़ी गुप्त नवरात्रि। इस दौरान तांत्रिक सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए देवी माँ की आराधना की जाती है। तो आज हम बात करेंगे आषाढ़ माह में मनाई जाने वाली गुप्त नवरात्रि की शुभ तिथियाँ, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन माता रानी को प्रसन्न करने के लिए किन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है, और साथ में जानेंगे कुछ खास नियम नवरात्रि व्रती के, गुप्त नवरात्रि के कुछ खास नियम। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है, इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा, और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, चैत्र और शारदीय नवरात्रि में जहां नौ देवियों की विशेष पूजा का प्रावधान है, वहीं गुप्त नवरात्रि में दस महाविद्या की साधना की जाती है। गुप्त नवरात्रि में पूजा की जाने वाली दस महाविद्याओं में माँ काली, माँ तारा देवी, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्ता, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी और माँ कमला देवी, ये दस महाविद्या हैं। इनकी पूजा गुप्त रूप से की जाती है। आषाढ़ माह में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से गुप्त नवरात्रि पर्व शुरू होंगे। ये शुभ तिथि 11 जुलाई को पड़ेगी, यानी कि आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 11 जुलाई से प्रारंभ होंगे, जिसका समापन होगा 18 जुलाई को। हिंदू धर्म में नवरात्रि पर्व प्रमुख पर्वों में से एक माना जाता है। इस पर्व में मां शक्ति की आराधना विधि विधान से की जाती है। एक वर्ष में कुल मिलाकर चार नवरात्रि आते हैं, जिसमें से दो गुप्त नवरात्रि के अलावा चैत्र और शारदीय नवरात्रि भी शामिल हैं। पहली गुप्त नवरात्रि माघ महीने में आती है और दूसरी गुप्त नवरात्रि हैं वो आषाढ़ माह में मनाई जाती है। गुप्त नवरात्रि आम नवरात्रि से थोड़ा अलग होती हैं। दरअसल इनमें तांत्रिक सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए माँ भगवती की गुप्त रूप से आराधना की जाती है। जी हाँ दोस्तों, इस पर्व में दस महाविद्याओं की साधना करने का विधान है। इन गुप्त नवरात्रों में नौ देवियों की जगह दस देवियों की होती है पूजा। चैत्र और शारदीय नवरात्रि में जहां नौ देवियों की विशेष पूजा का प्रावधान है, वहीं गुप्त नवरात्रि में दस महाविद्या की साधना की जाती है। जो मैंने अभी दस महाविद्याओं की, दस देवियों के नाम बताए हैं, उनकी साधना की जाती है। गुप्त नवरात्रि में पूजा की जाने वाली दस महाविद्याओं में माँ काली, माँ तारा देवी, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्ता, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी और माँ कमला देवी हैं। दोस्तों, तांत्रिकों के लिए गुप्त नवरात्रि का महत्व बहुत अधिक होता है, यानी कि गुप्त रूप से होती है देवी की पूजा। इसमें गुप्त रूप से देवी माँ की पूजा की जाती है। आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि में देवी की पूजा तंत्र मंत्र के लिए की जाती है। देवी माँ के हवन, पूजन,
और कर्म गुप्त रूप से रात के समय होती है, इसलिए इसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। इस नवरात्रि में तंत्र और मंत्र के दोनों के माध्यम से भगवती की पूजा की जाती है। जैसे कि नाम से ही जाना जाता है, नाम के अनुसार इसे गुप्त नवरात्रों में की जाने वाली शक्ति की साधना के बारे में, जहाँ कर्म मतलब कम ही लोगों को इस बारे में जानकारी है कि गुप्त नवरात्रि क्या होते हैं, इस बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। वहीं इससे जुड़ी साधना आराधना को भी लोगों से गुप्त रखा जाता है। माना जाता है कि साधक जितनी गुप्त रूप से देवी की साधना करते हैं, उस पर भगवती की कृपा उतनी ही ज़्यादा बरसती है, इसलिए इन नवरात्रों को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। आइए अब जानते हैं गुप्त नवरात्रि का शुभ मुहूर्त क्या है। साल 2021 में अषाढ़ गुप्त नवरात्रि 11 जुलाई रविवार से शुरू होकर 19 जुलाई सोमवार को समाप्त होंगे। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त होगा 11 जुलाई सुबह 5:31 से सुबह के 7:47 तक है। घट स्थापना का अभिजीत मुहूर्त होगा 11 जुलाई प्रातः 11:59 से 12:54 तक। प्रतिपदा तिथि आरंभ होगी 10 जुलाई सुबह 6:46 से और प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी 11 जुलाई सुबह 7:47 पर। 17 जुलाई को अष्टमी और 18 जुलाई को नवमी मनाई जाएगी। आइए अब जानते हैं गुप्त नवरात्रि की पूजा विधि। गुप्त नवरात्रि के दौरान 10 महाविद्या, तंत्र साधना और महाकाल की पूजा की जाती है। मान्यताओं के अनुसार गुप्त नवरात्रि में की जाने वाली पूजा को गोपनीय रखा जाता है, गुप्त रखा जाता है। नवरात्रि के पहले दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर 9 दिनों तक व्रत का संकल्प लेकर शुभ मुहूर्त में कलश की स्थापना करें। यदि आप कलश की स्थापना करते हैं तो सुबह और शाम देवी मंत्र जाप, देवी चालीसा, दुर्गा चालीसा और सप्तशती का पाठ जरूर करें। देवी माँ को दोनों वेला के समय लौंग, सिंदूर, केसर, कपूर और बताशे का भोग लगाएं। गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ को लाल रंग के पुष्प चढ़ाना सर्वोत्तम माना गया है, क्योंकि लाल रंग देवी माँ को बहुत प्रिय है। नवरात्रि में पूरे 9 दिनों तक अपना खान पान आहार सात्विक रखें। इसके साथ अष्टमी या नवमी को कन्या पूजन कर व्रत संपन्न करें। गुप्त नवरात्रि में गुप्त रूप से की गई देवी की आराधना जल्दी ही फलीभूत होती है और व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आइए अब जानते हैं गुप्त नवरात्रि के नियम। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार गुप्त नवरात्रि विशेष इच्छा पूर्ति या फिर सिद्धि प्राप्त करने के लिए रखे जाते हैं, इसलिए गुप्त नवरात्रि पर ज़्यादा प्रचार प्रसार न करते हुए अपनी साधना को, पूजा को गोपनीय रखना चाहिए, यानी कि गुप्त रखना चाहिए। अगर आप गुप्त नवरात्रि में कलश स्थापना कर रहे हैं तो दोनों वेला यानी कि सुबह और शाम देवी माँ के मंत्र जाप, चालीसा और सप्तशती का पाठ जरूर करें। इसके अलावा माँ की आराधना में उनका पसंदीदा रंग यानी कि लाल रंग के पुष्प चढ़ाएं, लेकिन ध्यान रखें कि माँ को आग, मदार और दूब और तुलसी ये न चढ़ाएं। गुप्त नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक सात्विक आहार ग्रहण करें और गुप्त नवरात्रि में आधी रात को माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। नवरात्रि के दौरान दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए और नवरात्रि के दौरान पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि के दौरान बाल, दाढ़ी, मूंछ और नाखून नहीं काटने चाहिए। इन दिनों घर पर आए हुए किसी व्यक्ति का अनादर न करें, जरूरतमंद को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।
उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है। और इस जानकारी को अपने तक ही सीमित ना रखें, आगे बढ़ाकर ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। हो सकता है आपके द्वारा शेयर करने पर इस जानकारी से किसी का भला हो जाए। पर अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव। जय माता की।